हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, फाइनली हम लोग रिंग सेरेमनी के ओकेशन के लिए नीचे आ गए थे मेकअप वगैरह करके, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जब तक ये सब चल रहा था ना, तब तक पता नहीं मैं कौन से काम में उलझ गई थी कि मैं आई नहीं पाई सही टाइम पे। तो ये रिंग सेरेमनी ना ऑलमोस्ट हो चुकी थी, देख रहे हैं ना आप सब लोग खड़े हुए हैं, सब लोग बातें वगैरह कर रहे थे, तो एटलीस्ट हो चुका था। ये रूही है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और मेरे पापा जो है उनके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, उनकी बेटी है, और ये मेरी सिस्टर है बिल्कुल सेंटर में बैठी हुई गोले के, और ये अनन्या है, वहाँ मामी गई उठ के। और ये लोग ना कब से खा रहे हैं, मतलब पता नहीं काफ़ी टाइम से खा रही थी मेरी सिस्टर, वो पहले बोलती है मैं मोटी हो रही हूँ, फिर खाती रहती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक साल पहले मेरा लुक बहुत ही अच्छा हुआ करता था, बहुत अच्छे बाल दिखते थे, अब ऐसे नहीं दिखते हैं यार। और ये है मेन सेक्शन, मेन सेक्शन में पापा और अंकल बैठे हुए थे, और ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि कश्मीर और लद्दाख जो है ना घूम कर आए थे। तो ये अनन्या है, और अनन्या ने क्या किया है ना, अपनी ड्रेस पे बहुत सारी दाल गिरा ली है, और पूरी जो ड्रेस है ख़राब हो गई है। अब ऐसे ओकेशन के लिए मैं एक ही अच्छी ड्रेस लेकर आते हैं, तो अब क्या पहनती, वो तो वही पहनना पड़ा उसे। तो मेरा ब्रदर है, और मेरी भाभी हैं, और दूसरा भी मेरा ब्रदर और भाभी है, और इन सब ने चारों ने सेम कपड़े पहने हुए थे, मैंने अभी नोट किया। और ये मेरा सेकंड ब्रदर है, तो इसकी बातें सुनिए। अपने ब्रदर के साथ में मेरा भाई विशाल, बड़े टाइम बाद मिले हैं, और ये मेरे को ऐसे बोलते थे कि ये बिल्कुल गोलगप्पा है, गोल मुंह वाला है, पर अभी बहुत स्मार्ट हो गया है, ऐसा कुछ अभी हीरो हो गया है, कुछ भी नहीं है, अभी हीरो हो गया है, ये एक घटना पे आधारित विशाल। तो हमारी जो हमारे कजन की जो वेडिंग थी, वो सॉरी सगाई थी, वो खत्म हो गई है, खत्म हो गई है। अब हम लोग अपने घर की तरफ वापस चल रहे हैं, हम बड़े पैर दर्द हो रहे हैं, जल्दी जाना है, बहुत ज्यादा पैर दर्द हो रहे हैं मेरे को, तो घर नहीं, चंडीगढ़ जाना है, कल पेपर देना है, लगे इसके पेपर है, एमबीए का पेपर है, एमबीए ग्रेजुएशन वाला है। चलो ओके, बाय विशाल, चलो बाय।